हेलो डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। अगर आपने हमारे चैप्टर सेकंड की पॉलिनोमियल की कॉन्सेप्ट की वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा होगा तो एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कभी कभी हमारे वीडियोज लेट हो सकती हैं क्योंकि हम अपने कंटेंट के साथ कभी समझौता नहीं करते। कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एनिमेटेड बनाने की ताकि आपको ग्राफ के भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आए। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस को ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाएं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है। आपको यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर। मैं बताऊंगा ग्राफ के अंदर किन चीजों पे फोकस करना है और हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ जीरोस हर केसेस में। सबसे पहले ग्राफ पे आपको जिन चीजों पे ध्यान देना है, आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता होगी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर कि जो हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर जो हमारा आपका एक्स एक्सिस है ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, इसी तरीके से ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब ग्राफ में आपको फोकस करने की जरूरत है, ये आपका हो गया ओरिजिन, राइट। अब इस ग्राफ में देखना है कि जो ग्राफ में आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस पे क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। हमें हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक्स एक्सिस पे होना चाहिए जो कि बिल्कुल भी ये जो लाइन है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो आप सिंपल जो इसका आंसर दे सकते हो कि जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस ग्राफ के अंदर वो जीरो होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दिस ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो ग्राफ है हमारा कट नहीं कर रहा है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। यहां भी हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है हर केसेस में। तो इसका जो सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको फिर वही चीजें फोकस करनी है कि एक्स एक्सिस सबसे पहले आप देखिए एक्स और एक्स डैश के थ्रू दिया हुआ है। इसके अलावा जो हमारा सेकेंड दिया हुआ है ये आपका वाई एक्सिस दिया हुआ है, राइट। तो ये x और x डैश होगा, ये y और y डैश होगा। अब आपको ये देखना है कि x और x डैश पे कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x और x डैश पे वो आपका है, यहाँ पे देखिए एक एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें y पे फोकस नहीं करना, केवल x और x डैश पे फोकस करना है, x एक्सिस पे फोकस करना है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो केवल वन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक्स एक्सिस पे केवल एक ही ऐसा पॉइंट हो रहा है जिसपे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसमें भी हमें नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ग्राफ को ध्यान से देखिए, एक्स डैश ये हो गया आपका और ये एक्स डैश और ये आपका वाई एक्सिस हो गया, राइट। ये एक्स और एक्स डैश और ये वाई और ये वाई डैश, एक्स एक्स को हम ये इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और ये आपका होगा y एक्सिस, राइट। अब जो ग्राफ आपका दिया हुआ है आपको देखना है कि x एक्सिस पे कितने यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहे हैं। पहला इंटरसेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, टोटल 3 इंटरसेक्शन है। तो जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे इस क्वेश्चन में वो होंगे टोटल 3। क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे 3 पॉइंट्स यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अपने फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखें तो इस ग्राफ में ये आपका एक्स एक्सिस कहलाता है, ये आपका वाई एक्सिस कहलाता है और इसी तरीके से ये आपका ओरिजिन कहलाता है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट को ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे दो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं इस ग्राफ के अंदर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे वो दो पॉइंट्स पे कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा जो ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे वो दो पॉइंट्स पे कर रहा है। इसी तरीके से हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसके अंदर जो ग्राफ आपका दिया हुआ है ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस और ये जो ग्राफ में जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो देखिए 1, 2, 3 एंड 4। तो आप ये कह सकते हैं कि टोटल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे वो 4 है। तो नंबर ऑफ जो जीरोज होगा वो 4 होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट दिए हुए हैं वो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और इसके अंदर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक्स एक्सिस के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट अगर आपको लगता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम जल्द से जल्द आपको सारे आंसर्स देने की कोशिश करेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रीसियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।